हाय फ्रेंड्स दोस्तों, मैं विकास, म्यूजिक से विकास। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज की डेट में। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों एक राग की एप्लीकेशन बताऊंगा, जिसके माध्यम से गाने की कॉर्ड, गाने की ट्यूनिंग, गाने का स्केल डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह क्लास ट्यूटोरियल राग के यूज पर है कि हाउ टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ राग इन म्यूजिक कंपोजिशन। तो आज हम आपको एक गाना सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। और राग, आज का हमारा क्लास राग यमन पे बेस्ड है कि हम राग यमन को कैसे हम प्ले करें और राग यमन का प्रयोग करते हुए राग यमन के बेस्ड गानों को कैसे बजाएं, या म्यूजिक कंपोजिशन में राग का प्रयोग कैसे होता है राग यमन। तो राग यमन में दोस्तों मा तीव्र होता है और इसके सरगम में नीसा गा मा पा नीसा नीसा रे सॉरी नीसा रे गामा पा धा नीसा सा नी धा पा मा धा रे से, यानी कि मा तीव्र लगाते हुए करना है काम। गाना है तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दोस्तों जैसे ये गाना आपने समझा, तो ये गाना राग यमन पे बेस्ड है तुम दिल की धड़कन फ्रॉम मूवी धड़कन। अगर हम दूसरा गाना जैसे अपने मुकेश दा का गाया हुआ गाना है सुहानी चांदनी रात, तो ये गाना दोस्तों ये राग यमन पे कैसे इसको प्ले करें। आई होप कि आज की इस क्लास में आपने राग यमन का डिटेल फॉर्मेट समझे कि हाउ टू यूज द राग यमन टू मेक ए सॉन्ग ट्यून्स एंड कंपोजिशन। थैंक यू।